सीनियर पब्लिक स्कूल नारायणपुर छात्र छात्राओं की विजय जुलूस बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। नारायणपुर शाला प्रांगण से शुरू होकर मुख्य बाजार, पुरुषोत्तम दास मार्केट, तहसील परिसर, निथाना गाजी, बामनवास, हाकर, तोलावास, सज्जपुरा, प्रेमपुरा, मंडवारा, गरिमा मोर, खड़खेड़ी, खोला आदि स्थान पर अपने स्थान पर पहुंचेगा, जिसमें मुख्य रूप से निदेशक अशोक कुमार यादव, बलराव सर, घनश्याम योगी, भैरू साय, मातृशक्ति नेहा एवं अन्य महिला शक्ति भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं की अपार भीड़ उमड़ रही थी। जगह जगह पर जुलूस का स्वागत फूलमालाओं के साथ किया गया। आपने कल देखा था जो प्रतिभाओं का सम्मान किया था हमारी टीम ने, आज विजय दिवस के रूप में पूरा स्टाफ ग्राम नारायणपुर से शुरू होकर के थाना गाजी और विवेक सभी गाँवों में जाएगा। सर नमस्कार, आपने जो विभिन्न आयाम स्थापित कर रहे हैं और कल विजय जुलूस के आपने घोषणा की थी, आज ये सार्थक भी हो रहा है, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है सर? ग्रामीण क्षेत्र के अन्य बच्चों को मोटिवेट और प्रमोट करना, ताकि वो भी इनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़े। गाँव के लोगों में जागरूकता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट, और पढ़ाई से अच्छा शॉर्टकट कोई हो नहीं सकता। सर मैं एक विशेष चीज़ देख रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वाक्य है गवर्नमेंट सरकार का, लेकिन आपकी जो गाड़ी में सभी बेटियाँ ज़्यादा है इसके पीछे। सर बच्चियाँ हमारे मेरे पूरे स्कूल में ही लड़कों से लड़कियों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और लड़कियाँ आजकल लड़कों से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हैं। लड़के थोड़ा सा सोशल मीडिया में, खेल खाल में ज़्यादा टाइम बेकार करते हैं, लड़कियाँ अपनी पढ़ाई में, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ पढ़ाई में विशेष रुचि रखती हैं, यही इसका रीज़न है। नहीं, रीज़न के पीछे जो आपका महिला स्टाफ है, मात्र की शक्ति खड़ी है। मैम नमस्कार, आप जो 16 साल से अधिक जो बच्चे होती है उनको समय समय पर योजनाओं के बारे में अन्य जानकारी देते हैं? हाँ, समय समय पर हम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सर, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में उनकी कोई भी समस्या हो तो हम सब सॉल्व करते हैं। आगे की क्या योजना है सर? आगे आज तो विजय जुलूस निकालेंगे, 10th क्लास का रिजल्ट आने के बाद में एक बहुत अच्छा सा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें से पूरे गोवाल क्षेत्र में जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित करेंगे और पेरेंट्स को भी हमारे विद्यालय में बुलाएंगे। हमारी यहाँ के स्थानीय राजू प्रजापति खड़े हैं। सर नमस्कार, आपके लिए डबल खुशी की बात है कि आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हैं और आपके समाज की बिटिया ने और हमारे गाँव की बहनों की लड़की ने समाज में नाम रोशन किया है, तो इन बिटियाओं को जो प्रोत्साहन राशि है जो बहुत कम मिल पाती है, ये प्राइवेट स्कूल सम्मत रखते हैं, राज्य सरकार तो बहुत देती है, गवर्नमेंट स्कूलों में देती हैं, ऐसी कोई योजना लागू करवाएंगे जो इन बेटियों को भी सम्मान मिल सके, सम्मान राशि मिल सके? हाँ, इनके लिए अभी मैडम से मैंने कल भी बात की थी कि मैडम जो प्राइवेट में बच्चे हैं गरीब परिवार के हैं, जो 97.20 बनाई है, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले तो वो आगे बहुत अच्छा नाम करें और उसमें आपका भी कोई योगदान। 24 घंटे से ज़्यादा रिजल्ट आए हो गए, लेकिन क्या आपके मंत्री महोदय ने या कोई अन्य ने अभी तक बताए प्रेषित की है या आए अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई, लेकिन उन्होंने हमने तो सूचना देने का वो रहता है, जैसे उनको टाइम मिलेगा तो जाने के लिए। हाँ, मैं फिर पुनः एक बार गुरुजी से पूछना चाहूँगा, गुरुजी आपको अपनी जो विशेष पीड़ाएं होती हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, जो मतलब ये स्वायत्त शासित संस्थाओं को, आपकी संस्थाओं को लाभ नहीं मिल पाता है, इसके बारे में कुछ वेदना होती है कभी? बिल्कुल होती है, मतलब बच्चे तो पढ़ने वाले सब पूरे राजस्थान की एक ही है, सभी को वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। जैसे हमारे इस साल जो 90+17 बच्चे इंस्पायर अवार्ड में है, इंस्पायर अवार्ड में एक बच्चे को 4 लाख की छात्रवृत्ति मिलती है, 5 साल में 4 लाख की, तो ये 17 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड मिलेगा, तो इनसे उनका बहुत अच्छा आगे पढ़ने का मौका भी मिलेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ भी सकते हैं और उनका खर्चा भी चल जाएगा। 80,000 रुपये पर ईयर इंस्पायर अवार्ड में मिलते हैं, उन्हें 4 साल तक मिलते, 5 साल तक मिलते हैं, 4 लाख का एक बच्चे को मिलेगा। 100 बातों के एक बात, मीडिया कैसे सहयोग कर सकता है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में पढ़ाई? सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो बिटिया ये है अंकिता, ये बहुत पुअर फैमिली से है, और अगर मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हो तो इस बिटिया का जैसे भी धन से या और अन्य कोई सुविधाओं से सहयोग कर सके करें, ये बच्ची आपके और आपके समाज का बहुत नाम रोशन करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्ची आगे UPSC IAS तक जाएगी, क्षेत्र के लोगों को भी मैं कहूँगा कि इस बच्ची की जरूर सहायता करें। थैंक यू सर।